हमने आपको एक खबर दिखाई थी ऋषिकेश की, जहां पर दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ और एक युवक के हाथ में जो पिस्टल है वो आपने साफ तौर पर देखी कि उसने किस प्रकार से भीड़ के बीचों बीच हवाई फायर झोंक दिया था। इस घटना का अब पुलिस ने खुलासा कर दिया है। केवल 12 घंटे में ही पुलिस ने इसका खुलासा किया और पुलिस ने बताया कि जो ये झगड़ा है ये दरअसल इस बात को लेकर हुआ था कि चार युवक जो कि राजस्थान के बताए जा रहे हैं वो श्रीनगर गढ़वाल जा रहे थे, कि इसी बीच जब ऋषिकेश चंद्रभागा पुल के पास वो थे तो वहीं से दीपक जायसवाल नाम का एक युवक जिसने तहरीर दी है वो गुजर रहा था। तभी जो पीछे सीट पर बैठा हुआ था कार में, उसने बाहर जो खिड़की है उसको खोलकर थूका और जो दीपक जायसवाल वहां से गुजर रहा था उस पर थूका, जिसको लेकर वहां पर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि गोली चलाने की नौबत तक आ गई थी, जिसको आपने वीडियो में देखा। इसके बाद पुलिस ने जो युवक है दीपक जायसवाल उसकी तहरीर पर तुरंत ही संज्ञान लिया और इन जो ये आरोपी थे वो फरार चल गए थे, उनकी दबिश शुरू कर दी, जिसके बाद देवप्रयाग से इनको गिरफ्तार कर लिया और इनकी गाड़ी से जो हॉकी के डंडे थे जिनसे वहां पर मारपीट हुई वो बरामद किए और रास्ते में जो युवक है उसने अपनी जो पिस्टल है अवैध पिस्टल उसको फेंक दिया था और उससे भी बरामद कर लिया है। इसको लेकर देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने क्या कहा वो आप सुनिए। केस में कल चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार चार लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ दीपक उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया, फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूंकि घटना सनसनीखेज थी इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। जो एपी नंबर की गाड़ी का पता चला था उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहाँ पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ जो पूरे घटनाक्रम का पता चला उस लाठी डंडे स्टिक्स उनकी गाड़ी से बरामद हुए। पुलिस से बचने के लिए वेपन को जो है जो इलीगल वेपन पिस्टल थी उसको एक कूड़ेदान में रास्ते में फेंक दिया गया था, उसको भी कल पुलिस ने रात्रि में बरामद कर लिया गया। चारों अभियुक्त में दो अभियुक्त राजस्थान के रहने वाले, अन्य जो है हापुड़ के रहने वाले हैं, जो गढ़वाल श्रीनगर यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत हैं और साथ ही दोस्त हैं और वो वहाँ पर जा रहे थे। चारों को न्यायिक हिरासत में पेश किया जा रहा है। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।